अस्सलाम वालेकुम। 2020 के हवाले से डेफिनेटली एज वी ऑल नो दैट वी आर इन द सेकेंड फेज ऑफ दिस पैंडेमिक, काफ़ी नुकसान हुआ है जहाँ तक खिलाड़ियों की बात करते हैं। और मेरा भी कुछ यही हम लोग का था कि एज वी ऑल नो दैट क्लब्स, जो सारी क्लब्स की जो फैसिलिटीज़ हैं वो क्लोज्ड हैं, वी आर इन दिस लॉकडाउन पीरियड। तो मैं अपनी कोशिश करती हूँ, हत्ता मेरी कोशिश होती है कि मैं इंडोर्स जितनी भी मेहनत कर सकती हूँ, अपनी फिटनेस को बरकरार रख सकती हूँ, मुझे बाहर अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है खेलने की और अपनी फिटनेस को बरकरार रखने की, तो मैं वो डेफिनेटली हासिल करती हूँ ताकि मैं फिट रह सकूँ। और मेरी ये दुआ है कि ये जल्द से जल्द ख़त्म हो ताकि क्लब्स रीओपन हो जाए और मैं पुराने अपने शेड्यूल में जा सकूँ, जो कि 6 घंटे का मेरा वर्कआउट होता था सुबह और शाम। तो अभी वो फीलिंग नहीं आ रही वर्क एग्जर्शन की जिस तरीके से पहले आती थी, जो एक शेड्यूल होता था। आई मिस माई शेड्यूल अलॉट एंड आई रियली होप दैट आई गेट बैक इन टू इट। 2021 जो आ रहा है, जो आगाज पे है, मैं समझती हूँ आई वुड लाइक टू सल्यूट ऑल द फ्रंट लाइन वर्कर्स जिन्होंने अपनी जान पे खेल के लोगों की जानें बचाई हैं, जो 24/7 लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। सो माई सल्यूट टू ऑल दोज डॉक्टर्स, नर्सेज, इवन द गार्ड्स ऑफ द हॉस्पिटल्स। सो आई रियली सल्यूट देम ऑल कि उन्होंने, अभी भी उनकी काविशें हैं कि केसेस कम हों और लोगों की खिदमत में हाजिर होते हैं। जहाँ तक मेरी बात आती है 2020 के शुरुआत की, तो वो बहुत अच्छा शुरुआत थी उसकी, क्योंकि मैं अपने नेशनल चैम्पियन बनी थी वुमेन्स डबल्स में और मैं कंजेकटिवली जीतते जा रही हूँ वो टाइटल। सो अल्लाह का शुक्र है कि वो मेरा आगाज़ बहुत अच्छा हुआ था और मेरी मेहनत, मेरी काविशें बहुत है कि मैं और अच्छा परफॉर्म कर सकूँ। इसके अलावा इंटरनेशनल सतह पर भी मैंने कीनिया में सिल्वर मेडल हासिल किया था और युगांडा में मैंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था और अपना करियर मार्क बेस्ट रैंकिंग हासिल की थी ऑफ 147 इन द वर्ल्ड। और मैं चाहती थी कि मैं और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेल सकूं ताकि मैं टॉप 100s में भी आ सकूं, लेकिन अल्लाह इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल प्लानर्स। इंशाल्लाह हम लोग इस डार्क पीरियड से भी निकल जाएंगे और मेरी पूरी कोशिश होगी कि कंपेटिटिव प्लेस इस वक्त मैं बाहर हूँ और मैं बहुत मिस करती हूँ वो कंपटीशन की जो फीलिंग आती है, कंपटीशन प्ले जो होता है, तो मैं आई डेफिनेटली मिस दैट मैच प्ले। और मेरी उम्मीद है कि मैं इंशाल्लाह जो 2021 आ रहा है उसमें मैं और ज़्यादा पाकिस्तान के लिए मेडल्स जीत सकूं और अच्छे से अच्छा खेल सकूं। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी न्यू ईयर।